से बाहर, एक्टिंग छोड़ा नहीं है बट साथ साथ मैं म्यूज़िक में परस्यू कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं फ़ोटोशूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे फैंस हैं, मेरे प्रमोटर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं एक न्यू लुक में आऊँ. सो फॉर दैट स्पेशली फॉर माई डीजिंग ये कर रही हूँ. और मैंने बहुत मेहनत करी है, एक एक आउटफिट मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही मेहनत से चुना है. और मेरे साथ काफ़ी मेरी टीम है जिन्होंने पूरा प्लान किया. एंड या एवरी फोटोशूट इज स्पेशल, ये भी उतनी ही स्पेशल है. चाहे मैं नहाकर आऊँ, चाहे मैं यू नो सैड होती हूँ, खुशी होती हूँ, चाहे मेरे गुस्सा आता है, एवरी मूड आई हैव अ म्यूज़िक. पर कुछ ऐसे यू नो एपिसोड्स हो गए मेरे साथ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब तो मुझे इसी को यू नो परस्यू करना. एंड आई लव इट, यू नो इट्स अ ग्लैमरस फील, इट्स वेरी क्रिएटिव. और बींग एन एक्ट्रेस भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, यू नो मुझे ज़्यादा जो टीचर्स 10 साल से मेहनत कर रहे हैं वो अचीव नहीं कर सके, वो मैंने 1 साल के अंदर आई अचीव. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. चैलेंज किया लोगों को कि वो आकर मुझे डीजे कंसोल में, चाहे मीडिया को बुलाए, किसी को भी बुलाए. देखिए मैंने बहुत ही 1 साल से मेहनत करी, बराबर मैंने इसकी क्लासेस लिए एंड एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से मैंने समझा. और मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, जब मैं प्ले करने के लिए जाती हूँ तो ऑडियंस, आई एम नॉट अ नॉर्मल डीजे, मैं मोर लेस सेलिब्रिटी डीजे हो जाती हूँ. तो स्पेशली इंडिया में यू नो एक फीमेल डीजे के लिए बहुत ज़्यादा लाइक लोग पागल हो जाते हैं. और क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो बहुत हज़ारों में लोग यू नो मुझे देखने के लिए आते हैं. ज़्यादातर मैं म्यूज़िक से ज़्यादा बस मेरी शक्ल देखते रहते हैं कि अच्छा अब ये यू नो प्ले करेगी. तो मैं नर्वस भी होती हूँ और एक तरह का एक प्रेशर होता है, चैलेंजिंग होता है कि अब मुझे ऐसे डीजे प्रूव करना है अपने आप को. सो इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम एवरी पॉसिबल यू नो